तो दोस्तों आपसे एक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। रीट परीक्षा तिथि 2021 पर आज की काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। हमारे जितने भी रीट के छात्र 31,033 श्रेणी शिक्षक भर्ती के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है जितने भी हमारे रीट के कैंडिडेट हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, अगर जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के ठीक नीचे दोस्तों एक लाल का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे से अगर कोई भी बड़ी अपडेट आए रीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड, सबसे सही और सबसे सटीक अपडेट आप सभी तक पहुँचा दी जाए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी आप लोगों के मन में डाउट होंगे वो भी हम क्लियर करेंगे। आप लोग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आप सभी के सभी सवालों का जवाब देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे रीट से रिलेटेड आप सभी बता दें, रीट की एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, रीट में जो इस बार सेंटर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही जिसके कारण भी दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो आप लोग इस वीडियो को एक काम जरूर जरूर आप लोग करना है, इस वीडियो को आपको लाइक करके शेयर करना है उन सभी कैंडिडेटों के पास जो रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। शेयर जरूर करना है अधिक से अधिक छात्रों को। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी के लिए एक हमने आपको स्ट्रेटजी भी बताई थी, जितने भी हमारे रीट के कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा 2021 की, ठीक है। तो आप लोगों को हमने बताया था कि अगर आप लोगों को रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को ये स्ट्रेटजी अपनानी ही पड़ेगी, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को अपनाने से ये आप लोग समझ लीजिए 90% आपका जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा, फिर आपका 10% रहेगा आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंट 10% अगर जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, वही दोस्तों आपका 10% ले जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट महसूस करिए अपने आप को। और आपको जो हमने बताया है कि दोस्तों हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसमें से 6 दिन आप लोगों को ये आराम से आपकी जो प्रिपरेशन है रीट की वो करनी है, ठीक है। इसके बाद 7वें दिन अपने आपको परखना है, कैसे परखना है, एक मॉक टेस्ट दे के, ठीक है। अब कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, बेहतर है, लेकिन सबसे जो बेहतर प्लेटफॉर्म है वो अनअकैडमी है। और आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी अपनी फ्री टेस्ट सीरीज़ वो भी अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर द्वारा तैयार किए हुए, ठीक है, आप सभी को मिल रही है। और ये टेस्ट सीरीज़ आपको एवरी संडे, यानी कि हर 7वें दिन आप लोगों को सप्ताह के वीकेंड के आपके हर 7वें दिन संडे को आपको 4 PM को टेस्ट देना पड़ेगा। 6 PM को इसका जो है एनालिसिस कराया जाएगा साबलू सर के द्वारा। टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराया गया है, तो आप लोग उस पर क्लिक करें, पूरी जानकारी लीजिए। एवरी संडे यानी कि हर संडे आपको ये टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे छात्रों के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग उन पर क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें नीचे लिखा होगा इंस्टॉल, ठीक है, ENTROLL, ठीक है। तो इंस्टॉल पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, तो वहाँ पर एक स्पेशल कोड मांगा जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे आप लोग कोड डालिएगा ABHAY, यानी कि ABHAY-10, ठीक है। अब ये आपको कोड डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक यूनिक कोड मांगा जाता है अगर आप लोग फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कोड आपका यूनिक कोड है, इसी को आप लोग उसमें पुट करके अपना टेस्ट में एक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। अब हम अपडेट की भी बात कर लेते हैं। आपको दोस्तों बता दें, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स यानी कि रीट 2021 के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। आपको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं ताकि आप सभी लोगों को ये अपडेट पूरी पहुंच जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दें, रीट के जितने भी हमारे शिक्षक बनने का एक ख्वाब देख रहे थे युवा, उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहली अपडेट तो आपकी यही है कि आप लोगों को जो लेवल था, जो भाषा था, वो सुधारने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रीट में सरकारी शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए बड़े राहत की खबर है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट के लिए आवेदन फॉर्म में संशोधन के लिए आखिरी मौका मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जितने भी छात्र हैं रीट के लिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 16 लाख से ज़्यादा छात्रों ने रीट के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए सेंटर्स भी कम पड़ गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं राजस्थान में इस समय COVID-19 इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि यहाँ पे सेंटर्स में जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है, ठीक है, सबसे बड़ा रूल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना सोशल डिस्टेंसिंग का ही है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे आपका सेंटर्स की कमी हो चुकी है, ठीक है। अब जिलों से बाहर सेंटर यहाँ पे निर्धारित किए गए, जितने भी हमारे रीट के कैंडिडेट हैं आप लोग जान लीजिए कि जैसे कि रूम है, ठीक है, तो पहले इस रूम में जहाँ आपके 10 छात्र बैठते थे, तो दोस्तों आप यहाँ पे 5 ही छात्र बैठेंगे, ठीक है। यही सोशल डिस्टेंसिंग के कारण आप सभी जो सेंटर्स हैं वो अब ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। सेंटर्स ज़्यादा हो गए हैं, जिस कारण दोस्तों जिलों में सेंटर्स की कमी होती जा रही है, ठीक है। इसी कारण से दोस्तों अब जिलों के बाहर आपके सेंटर्स बन रहे हैं, ठीक है, जिलों के बाहर सेंटर्स बन रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जिलों से बाहर सेंटर्स अगर होंगे तो आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो सब थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन आपको बता दें, आप सभी के लिए जो आपका रीट के लिए जितने भी हमारे छात्र हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन फॉर्म में
ऑनलाइन और ऑफलाइन संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए जो है 15 मार्च अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, ये संशोधन सिर्फ परीक्षा के विषय और भाषा में मान्य होंगे, इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक मौका दिया जा रहा है। ठीक है, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो रीट के फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं, चाहे वो भाषा या विषय का हो, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आप लोग संशोधन करना चाहते हैं, ठीक है, अपने जो फॉर्म अपने भरा होगा उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों लास्ट डेट 15 मार्च है, एक अंतिम मौका है, आप लोग ये सुधार कर सकते हैं। बता दें, राजस्थान सरकार अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार राज्य की सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। ठीक है, इसके लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा यानी कि रीट परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे अब ये भी डाउट आ रहा था कि रीट के एग्ज़ाम डेट को अपने सही समय पर कंडक्ट कराया जाएगा कि नहीं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 25 अप्रैल 2021 को है महावीर जयंती। ठीक है, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पे हमारे जैन समाज के जितने भी समुदाय हैं प्लस प्रतिपक्ष के नेता जितने भी हैं, ठीक है, चाहे भाजपा के नेताओं की बात कर लें चाहे अदर नेताओं की बात कर लें, सभी ने विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया था कि रीट के एग्ज़ाम को 25 अप्रैल से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो रीट ये आपका महावीर जैन एक त्यौहार है, ठीक है, जिसके जैन समुदाय के जो जितने भी छात्र होते हैं सभी मनाते हैं। ठीक है, और इस संशोधन के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, नोटिफिकेशन के अनुसार प्रत्येक संशोधन के लिए अब 300 रुपये का भुगतान रीट को ऑर्डिनेटर के नाम पोस्टल ऑर्डर बैंक डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करना होगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने अपना संशोधन आवेदन अंतिम तिथि यानी कि 25 फरवरी के बाद भेजा है उन्हें भी दोबारा आवेदन करना होगा। ठीक है, गौरतलब है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के साथ ही स्कूल व्याख्याओं के 3000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होनी है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही है। आपको बता दें, इसके परिणाम से रिलेटेड भी अपडेट दिया है कि इसके परिणाम जारी होने के बाद शिक्षा विभाग राज्य भर में 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। रीट परीक्षा के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जो होगी आपकी वो 3 मार्च की होगी। ठीक है, बता दें यहाँ पे राजस्थान में 3 साल बाद रीट परीक्षा हो रही है। इसके पहले रीट का जो आयोजन है 2018 में किया गया था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। जितने भी हमारे रीट के कैंडिडेट हैं, आप लोगों को बता दें, यह है आपका विज्ञप्ति जिसमें 5/3/2000 यानी कि 5 मार्च 2021 को ही निकाली गई थी, जिसमें आप सभी का जो है संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, 15 मार्च आपकी लास्ट डेट है, और इस बार जो चेंजमेंट हुए हैं वो भी आपको डिटेल से अगर समझाना चाहें तो ये आपका जो वेटेज में परिवर्तन किया गया है, 70-30 का जो वेटेज था वो 290-10 कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही काफ़ी इस बार चेंजमेंट हुए हैं 2018 की तुलना में, इस बार रीट की एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही अपडेट है, और आगे जितने भी अपडेट आएंगे आप सभी तक पहुँचा जाएंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को लाइक से जो करिए। चल सुन लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।